हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं कार्स विद एटीट्यूड की एक और नई वीडियो। आज हमारे पास जो गाड़ी अवेलेबल है रिव्यू के लिए, वो है मर्सिडीज़ की CGI 200। आज हम इसके बारे में वॉक अराउंड रिव्यू करेंगे, कैसी गाड़ी है, क्या क्या इसमें फीचर्स आते हैं, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को शुरू। जो कि 2000 CC का इंजन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, ये प्रोड्यूस करती है 184 BHP। सो गाइज, ये है आज हमारे पास जो गाड़ी अवेलेबल है रिव्यू के लिए, ये है मर्सिडीज़ CGI 200। यह है हमारे गौरव भाई की। हेलो गौरव भाई, वेलकम है आपका हमारे चैनल में। सबको हाय कर दीजिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आज इनकी गाड़ी का वॉक अराउंड रिव्यू करते हैं, मर्सिडीज़ CGI 200। सो शुरू करते हैं हम इसकी फ्रंट ग्रिल से। फ्रंट में आपको मिल जाती है ऐसी क्रोम वाली ग्रिल, सेंटर में मर्सिडीज़ का लोगो, यहाँ बोनट पे भी आपको मर्सिडीज़ का लोगो मिल जाता है। हेड यूनिट में आपको मिलते हैं यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट, ये वाइट लाइट है, हेलोजन नहीं है। यहाँ पे मिलता है आपको हाई बीम के लिए, यहाँ आपको मिलता है एक और हेलोजन लाइट मिल जाती है, यहाँ इंडिकेटर्स मिलते हैं, ये हैं इसके वॉशर हेडलाइट्स के, आपको फ्रंट सेंसर्स भी मिल जाते हैं, ये इसके फोग लाइट फोग हाउसिंग हो गया, यहाँ पर आपको नंबर प्लेट सेम, यहाँ भी आपको सेम ऐसी लुक्स मिलती हैं, फ्रंट से कुछ ऐसी लुक है गाड़ी की, आप देख सकते हैं। आइए अब करते हैं इसकी साइड व्यू की बात। साइड में आपको मिल जाते हैं ऐसे मर्सिडीज़ के अलॉय व्हील्स, जो आते हैं 225/50 R17 प्रोफाइल के साथ, 17 इंच के अलॉयज कंपनी ने इसमें दिए हैं। यहाँ मिल जाती है आपको ब्लू एफिशिएंसी की बैजिंग, यहाँ आपको मिल जाते हैं टर्न इंडिकेटर्स, और यहाँ पे बोश के आपको मिल जाते हैं वाइपर्स, यहाँ आपको सारी यहाँ पे क्रोम की फिनिशिंग मिल जाएगी। क्रोम हैंडल्स इसमें अवेलेबल नहीं है, ये कंपनी फिटेड डोर पे भी यहाँ पे आपको क्रोम मिला दिया हुआ है कंपनी ने। ये यहाँ इसकी फ्यूल लिड, ऊपर मिल जाता है आपको शार्क फिन एंटीना सनरूफ के साथ। अब करते हैं इसकी बैक से बात। बैक में ऐसी आपको कुछ लुक मिल जाती है, जहां आपको C200 की बैजिंग मिल जाती है, सेंटर में मर्सिडीज़ का लोगो, CGI की बैजिंग, ये आपके ब्रेक लाइट्स आ गए, यहां पे इंडिकेटर्स, ये बैक लाइट, यहां आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, नीचे आपको मिल जाते हैं सिंगल टिप एग्जॉस्ट, यहाँ आपको मिल जाती हैं नंबर प्लेट लाइट्स, साइड से कुछ ऐसी इसकी लुक है। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लग रही होगी इसकी ओवरऑल लुक। अब बात करते हैं इसकी, इसमें जाती है आपको इसके इंटीरियर की लुक। स्टार्ट करते हैं डोर से। डोर पे आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका लॉक बटन, यहाँ पे इसके सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल और वीएम्स सेट करने के लिए, ये इसकी मेमोरी सीट्स के ऑप्शन दे रखी हैं, आप अपने अकॉर्डिंग, 6 फ्लोर एडजस्टेबल सीट है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट करके, जितने घर में मेंबर्स हैं 2-3 जितने अलग अलग इसको चलाते हैं उसके हिसाब से आप 1-2-3 के हिसाब से अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग यह सीट सेट हो जाती है। ये इसके क्रोम के साथ मिल जाता है डोर ओपन करने के लिए लॉक अनलॉक का बटन, नीचे मिल जाता है आपको स्पीकर, यहाँ पर मिल जाती है आपको स्टोरेज स्पेस, यहाँ मिल जाता है आपको डिग्गी ओपन करने का कंट्रोल, यहाँ मिल जाती है आपको हैजार्ड लाइट, जिसे वार्निंग लाइट भी कह सकते हैं, ये आपको नंबर स्पोर्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है। सो ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है। आइए बैठ के अंदर बात करते हैं। ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है, ये इसका स्टीयरिंग कंट्रोल, सेंटर में आपको मर्सिडीज़ की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको MID के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ वॉल्यूम अप डाउन कॉल पिक करना सारे कंट्रोल्स यहाँ मिल जाते हैं, यहाँ सेंटर में इसकी टैकोमीटर RPM मीटर, यहाँ पे हेडलाइट कंट्रोल्स, ऐसा कुछ इसका म्यूजिक सिस्टम है, जहाँ पे मर्सिडीज उसके आपको बैजिंग मिल जाती है। ऑटोमेटिक ये कार है तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ये इसके ऑटोमेटिक कंट्रोल्स, गियर नॉब पे भी आपको मर्सिडीज की बैजिंग मिल जाती है ऑटोमेटिक AC के साथ,
यहाँ आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट, लेदर सीट्स, सनरूफ, यहाँ पे आपके सनरूफ कंट्रोल्स, जो आपकी को पैसेंजर साइड है वहाँ भी सेम आपको यहाँ भी सीट्स की ऑप्शन मिल जाती है। इसे भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा आपको मिल जाता है इसका ग्लोव बॉक्स। इंटीरियर से भी बहुत शानदार है गाड़ी। तो अब हम बात करते हैं इसकी रियर से। रियर से ऐसे आपको इसकी कुछ लुक मिल जाती है। सेंटर मिल जाता है आपको, ये मिल जाता है आपको आर्मरेस्ट, यहाँ पे आपका कप होल्डर्स के साथ जी। इससे कुछ आपको ऐसी प्रोफाइल मिलती है। ये इसके कॉटन भी कपड़े फिटेड अवेलेबल है। नीचे आपको स्पीकर मिल जाता है, पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ आपको ट्विटर की प्लेसिंग मिल जाती है। नीचे भी स्पीकर है, पीछे से कुछ आपको ऐसी इसकी ओवरऑल लुक मिल जाती है गाड़ी की, कॉकपिट की। इसका ड्राइवर साइड रियर में भी आपको कंपनी फिटेड कर्टन अवेलेबल है। थ्री हेडरेस्ट के साथ ये गाड़ी आती है। सेंटर में आपको मिल जाते हैं रियर एसी कंट्रोल्स। सेंटर में आपको काफ़ी ऊँची एक हम मिलती है, बट मर्सिडीज है भाई, सब कुछ मिलेगा आपको मर्सिडीज़ में। सो ऐसा कुछ आपको इसका इंटीरियर था। आई होप आपने इन्जॉय किया होगा। करते हैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।